ये देखेंगे कितनी तेज़ बारिश आ रही है। मेरी हेल्पर काम करके गई है तो मैं अपने बेडरूम में आ गई थी और मैं अपनी अलमारी सही कर रही थी। कपड़े उधड़े बुधड़े हुए थे तो कपड़े सही कर करके मैं थक के मैं सो गई। फिर सो रही थी तो मैंने कहा सो के उठ के खाना बनाती हूँ। तो अभी मुझे ऐसे शोर सा महसूस हुआ, सोए सोए उठी हूँ तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखते तो बादशाह ने रौनक लगाई हुई है। देखो ज़रा बदल तो गरजदा पे तो देखो जरा वो सबज सबज उकाई लग गई है कि बारिश रोज़ आती है। सुबह हेल्पर को कहूँ कि उसे ज़रा रगड़ के साफ करें। तो ये देखो कितने प्यारे मेरे पौधे लग रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सोने से पौधे। ऐसे लगता है जैसे पौधे आपस में ना ये देखे ये बातें जैसे कर रहे हैं, पानी पड़ता है ना हिलते हैं, ऐसे लगता है जैसे बातें कर रहे हैं। ये देखिए अब मैं चलती हूँ खाना बनाती हूँ। शुक्र है अल्लाह का मौसम ठंडा हो गया। आज बड़ी गर्मी चाहते सांस भी बंद हो रहा था, मैंने तो एसी लगा लिया था तो फिर लाइट गई है तो बंद हो गया। तो बाहर देखा तो ये अपना बादल आ रहा था, अभी भी बदल गरजदा पे इतना अच्छा लग रहा। चले जी आप चलते हैं खाना बनाते हैं मज़े से आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माई यूट्यूब फैमिली अस्सलाम वालेकुम, मैं शेफ रहमाना आज लेके आई हूँ बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी, चना दाल और घिया कद्दू। बड़ा ही मज़े का बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा, शर्त मेरे तरीके से बनाएंगे। पहला इस तरह का ऑयल डालते हुए ना मुझे तो कुछ पता भी नहीं लगता कि कितना ऑयल गया है या कितना नहीं। तो मैंने वो दूसरा लेके आना कि जिससे नाप के डालूं मुझे पता ही नहीं चलता ज़्यादा ऑयल हो जाता है, तो इसलिए ना इसको मैंने अब छोड़ ही देना। अच्छा जी ये देखें जी आज बन रहा है दाल चना और साथ में घिया। ये देखें दो प्याज मैंने लिए, इनको बारीक बारीक सा काट लूँगी ठीक है जी। तो इसके साथ मैं बनाऊँगी उबले हुए चावल ठीक है जी। तो आप रोटी के साथ खाएं, वैसे पराठे के साथ बड़ा मज़ा आता है। सुबह पराठा बनाऊँगी, अपना नाश्ता आपसे शेयर करूँगी। नाश्ते में ना पराठा बनाऊँगी और उसके साथ खाऊँगी ये दाल चना और कद्दू, बड़ा ही मज़ा आता है। तो ये देखें कि आज मेरा दिल कर लिया सी कि मैं बनाऊँ दाल, तो फिर किया कद्दू वाला आ गया, बड़ा ही शानदार था ये वाला ना कद्दू। तो मैंने फिर सोचा जल्दी से ले लूँ, बड़ा प्यारा छोटा छोटा सा था, सबस सबस सा ना इस मौसम में खाना चाहिए गर्मी में। मेरे अल्लाह जी का शुक्र है जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोगों के लिए बनाई। ये देखें जी एक पाव के करीब चना दाल है, पाव से भी कम है। ये देखें जी इसको मैं धो लूँगी, मैंने भगोया नहीं है, ज़रूरी नहीं कि भी हो ठीक है जी। तो इसको ना मैं ज़रा धो लूँ दाल को, तो फिर आपसे मिलती हूँ ठीक है जी। ये देखें जी ये है टमाटर, सब्ज़ मिर्च हैं 6-7 बड़े बड़े टमाटर थे, और इसमें लहसुन का एक बल्ब छीन के डाला और बड़ा सा टुकड़ा जिंजर का। तो इन सारी चीज़ों को ऐसे मैंने चॉप कर लिया, इसमें बड़ी अच्छे हो जाते हैं प्याज भी। तो मैंने ये प्याजों को कलर देना, आप ट्राई करना दाल में कीमे में कलर प्याजों को दे के बनाएंगे तो बड़ा अच्छा सा बनेगा। ये देखें जी माशाल्लाह हमारे प्याज में कलर आ रहा है, ये देखें छोटे छोटे प्याज हो ना तो वह कोई स्वाद ही नहीं बनता मेरी नज़र। मेरी अम्मी दी रेसिपी, मेरी अम्मी ऐसे तरह ही बनाते सन कि प्याजा थोड़ा कलर देंगे सन, बाकी मसाले बनते थे। अगर तुम भी इस तरह ही बनाओगे ना देखना कि अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखो जी अब देखिए जी ये देखे कलर आ गया ना लाइट सा, तो अब हम ये जो लहसुन टमाटर अदरक सारी चीज़ों को ना हम इसमें ऐड कर देंगे, तो इसकी बुनाई करेंगे, फिर हम साथ ही डाल देंगे थोड़ी देर बाद ड्राई मसाले मिर्ची वगैरह ठीक है। ये देखें अभी इसकी बनाई होएगी ठीक है, मिलते हैं बाद में। ये देखें जी अब हम इसमें डालेंगे नमक और मिर्च ठीक है जी। नमक मेरा जो होता है ना अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, हम खाते हैं कम ठीक है जी। तो फिर ये देखें ये गई जरा, इसमें हल्दी ज़्यादा आ जाती है दालों में, दालों का कलर फिर फीका सा पड़ जाता है ना। ये देखो जी 1-2 बटू टेबल 2 टी स्पून मैंने लिया है रेड चिली पाउडर। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, गिर गई है वो क्या कहती है उसे मिर्च
तो वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। और ये देखें अब हम इसमें डाल नमक, अब जाएगा इसमें सॉल्ट, वो भी अपने टेस्ट के मुताबिक आप डालें। मैं तो थोड़ा सा पहले डालती हूँ, फिर जब पकने वाली हांडी होती है चेक करती हूँ कम मैं तो डाल लेती हूँ, वरना मैं जितना होता है फिर अगर सही हो तो फिर रहने देती हूँ। ठीक है जी, अब इसमें जाएगा जीरा, खुश्क धनिया, लौंग, दालचीनी और सबज कह रही हूँ काली इलायची। काली इलायची जो है ना वो बाकी जमीन होने देती, पेट में दो इलायचियाँ डालूंगी तो तीन लौंग डाल दूंगी, ये देखिए तीन चार लौंग है। और साथ हम डालेंगे दालचीनी का टुकड़ा, ये देखिए जी ये दालचीनी गई। ठीक है जी, तो अब इसमें जाएगा खुश्क धनिया, है जी खुश्क धनिया डालेंगे, बड़ा ही मज़ेदार सा जायका होता है इसका, बड़ा स्वादी जहा बन किले तीन। ये वन टेबल स्पून के बराबर खुश्क धनिया चने की दाल में बहुत शानदार लगता है। ठीक है जी, तो अब जाएगा इसमें ये गया बीच में जीरा, जीरा भी वन टेबल स्पून मैंने ऐड किया है जी, आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं। जब ये देखिए जी मोबाइल गर्म हो जाता है बंद हो जाता है, मैं क्या करूँ फिर, इसको बाहर लेके गई हूँ, इसको हवा लगाई है जी, तो फिर इनू कोई होश आई जे ऊन ऑन होया, वीडियो बंदी बंदी बंद हो जाती है, अभी बारिश इतनी हुई है फिर बक्स हो गया। तो इस अच्छा मैंने बस इसमें वो क्या नाम है वो डाला था जीरा, और उसके बाद फिर ये बंद हो गया तो मैं बाहर चल गया। अच्छा इसको हम अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे हैं जी, ये देखें अच्छी तरह से हम इसको गूंदेंगे, ऊपर कुछ ना कुछ रख दिया करें, कुछ ना कुछ अंदर चला जाता है जी। हम अब चेक करते हैं मसाला हमारा, देखें जी कितना लाल सुरख हो गया है जी, तो अच्छी तरह से भुन गया, जब ऑयल निकल आए तो समझे जी मसाला भुन गया। दूसरी तरफ देखें मैंने ये देखें चावल रखे है ये उबलने के लिए, तो चावलों को उबालेंगे असी ना अच दाल नाल ना। ये देखें जी अब हम इसमें कद्दू मैंने छीन के मैंने इनको धो लिया था, फिर काट के इनको धोना नहीं चाहिए। ये 1 kg है कद्दू है जी, घिया इसे घिया कद्दू कहते हैं। ये देखें जी ये मेरी अम्मी जान की रेसिपी है, मेरी अम्मी जान ऐसे ही बनाती थी, बड़ा ही स्वादी होता सी, हाय अल्लाह जनता जकार करे जी मेरी दे एक माशाल्लाह साड़ी गली दे बच्चे सलामत रहन जींदे रहन, खेलते ने तां मुश्किल है तंग करते ने बार बार गेंद आंदा उन्होंने देना पैंदा है, अगर ना खेडन मन बेरोंगी हो जाती है। मैं कहनी हाय अल्लाह जे बच्चे खेलते नहीं पे है, जो खेलते ने तां फिर बार बार मन जाना पैंदा है, काम करती होनी आ वीडियो बनाती होनी आ ते मनू फिर मुश्किल हो जाती है। अब हम इसमें दाल को ऐड कर देंगे, दाल में ज्यादा नहीं डाल रही के कद्दू मुझे बड़ा अच्छा लगता है तो कद्दू हमने ज्यादा डाला है, 1 kg कद्दू है तो एक पाव से भी कम ये चने की दाल डालती है। ठीक है जी, आप अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं, जितनी दाल डालना चाहते हैं जी तो वो आपकी मर्जी है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। ठीक है जी, ये देखें जी अब हम करेंगे इसमें पानी ऐड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह, अब हम इसको लगाएंगे प्रेशर। ठीक है जी, वैसे हांडी तो बड़ी मजेदार बनती है, अब क्या करूं हांडी में बड़ी देर लग जानी तो गर्मी च हांडियां च बना ही नहीं होगा कुछ। चलें जी मिलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो जी हांडी साड़ी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखो जी साढ़े बने जे घिया कद्दू तो चने की दाल, हाई हूं तो मत मार तो तीर गर्मी ना याद भी नहीं रहा पा, ए देखो किन्ने प्यारे गले ने आ कद्दू है जी, ए देखो जी दाल भी माशाल्लाह बहुत अच्छी गली है, कूले कूले कद्दू सी माशाल्लाह। देखो जी हूँ मैं नमक चख लैनी हाँ, अगर कम है नमक कम है नमक
थोड़ा पा लैनी आ, पर मिर्चा वाहवा तेज पै गई ने अज। चलो सोचा सी बोती बोती दाल पा के खावगी चावलों से, जोड़े चावल बनाए ना हूं तो थोड़ी थोड़ी खावगी, मेरे च बहुत तकलीफ है, इन नहीं खा सकती ना मिर्चा। लो जी माशाल्लाह अलहमदुलिल्लाह साडा घिया दाल चना और घिया तैयार हो गया जी। ए देखो जी हम असं ये उत्ते पावे धनिया, देखो जी देखो जी वेख लो वेख लो, मैं कहनी पी हाँ देखो जी, ठीक है जी। हाए इन्नी गर्मी है, इन्नी गर्मी अल्लाह की कसम, परास हफसैनी जे जिदा कोई हिसाब ही नहीं। और यह देखो जी ए पै गया जे अदरक, ठीक है जी अदरक भी मैं पीस के भी पाई सी, ते थोड़ी भी पा दी है, हूँ मिर्चा कट के नहीं पानिया, बस है जरा शोखी मारने ऐसे ना एक मिर्च रख देने, ठीक है जी। हलो जी साड़ी दाल तैयार हो गई जी माशाल्लाह अलहमदुलिल्लाह। यह देखो जी माशाल्लाह अलहमदुलिल्लाह, मैं कैमरा नज़दीक करके अभी लुक देखो माशाल्लाह कितनी अच्छी लगती थी। यह देखो जी माशाल्लाह अलहमदुलिल्लाह अलहमदुलिल्लाह, यह देखो जी ए बनिया ने साडा दाल चना और या कद्दू, हाँ जी प्यारे लगता पे खाने हेल्दी भी है टेस्टी भी है, और बनाओ तो मजे न खाओ। मैं तो खादी हूँ चावलों से पा के बखादी, पर मेरी ना तबीयत बहुत खराब हो गई है, मेरे सर में इन्नी दर्द है, इन्नी हफ्स से जिदा कुछ हाथ नहीं होते ना, मेरे सर में बहुत दर्द है, पहले नहावगी कपड़े चेंज करांगी तो फिर खावगी। अल्लाह पाक तुहाडे सदे दस्तरखान बड़े रखे, अल्लाह जी अपनी नेमतें आप सब पे नछावर करते रहे, और दीन दुनिया की नेमतें अल्लाह जी अदा करे, अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखा करें, और अल्लाह जी दस्तरखान बड़े रखे, अपने बच्चों के साथ माँ बाप के साथ बैठे खाएँ, अपने माँ बाप की खिदमत और इज्जत किया करें, और जो नहीं खा सके उनका भी ख्याल रखा करें, ठीक है जी। तो अब मैं आपको प्लेट में वैसे डाल के दिखा देती हूँ, देखिए जी ये है मेरा खाना, पर खाऊँगी मैं अभी नहीं, पहले मैं नहाऊँगी फिर मैं खाऊँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इतने से चावल मैंने लिए हैं, ये दाल है, और ये मेरा सलाद है, ये अचार है जो मैंने घर पे बनाया था, और ये है ये जो मैंने दाल और किया कद्दू बनाया है। ये देखिए जी बड़ी मज़े की ये बनती है दाल, आप भी ज़रूर बनाना ट्राई कीजिए, अगर लाइक कीजिए शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड में, मेरे नए देखने वाले मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, हूँ तो हिम्मत नहीं रही बोलन की। चलो फिर हूँ मैं थोड़ा कर दीजिए अल्लाह हाफिज़, तो अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करें ज़्यादा, अल्लाह ताला नहीं देंगे अब बोलन के जी। अब हम रोटी को तवे के ऊपर डाल देंगे, हाँ जी ये देखिए ये हमने डाल दिया ऊपर, कभी भी मेरे से रोटी गोल नहीं पकती, हर दफा डिंगी पिंगी पकती, चलो पेट ही जाके इन्हें टूटना ही देना। ये देखिए जी ये देखिए, अब हम इसको चेंज कर लेंगे साइड, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस पे हम ऑयल डाल देंगे, फिलहाल उसमें दूध लाओ चाय में डालें, ये देखिए जी ये ऑयल डाल दिया। अब ये बड़ा प्यारा सा, ये नहीं कि मोटा है तो क्रिस्पी नहीं बनेगा, ये भी क्रिस्पी बनता है, देखिए जी ये देखिए जी बड़ा मज़ेदार सा क्रिस्पी सा बनेगा, ये मेरा लच्छेदार पराठा दाल चना और कद्दू के साथ बड़े मजे से मैं खाऊंगी, अल्लाह ताला मेरी नसीब करे। ये देखिए जी माशाल्लाह कितना प्यारा सा कलर आया है जी। तो अब मैं अपने प्यारे से ये इस छापे में रखूंगी, भाई चला उधर से वो बटर पेपर तो लिया, जो क्या बटर पेपर वो उधर नहीं जिधर वो ग्रोसरी पड़ी हुई उधर, ये देखिए जी ये प्यारा सा मेरा छाबा है सोना सा, इसमें मैं रखूंगी, पर नीचे पहले बटर रखूंगी, पता क्या फिर मेरे छाबे खराब हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ये देखिए जी माशाल्लाह अलहम्दुलिल्लाह हमारा क्रिस्पी लच्छेदार पराठा तैयार, ये देखो देखो जी देखो। चले जी अब हम चलते हैं टेबल पे नाश्ता करते हैं, देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाश्ता तैयार हो गया है, ये बलदार पराठा है साथ में, ये देखें जी ये चना दाल और घिया कद्दू है, साथ में मेरी चाय है, ये बहुत ही मज़ेदार लगता है पराठे के साथ, कल मैंने बनाया है। और जी अल्लाह पाक आसानियाँ करे आप सबके लिए, खान आपके अल्लाह जी भरे रखे, ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप ही बनाएं ये पराठा, और जी देखें जी आप तो ये बहुत ही मज़े का है, आप भी ज़रूर बनाना ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड में, जो जो मेरी वीडियो देखते हैं अल्लाह ताला उन्हें जज़ा दे, और सब्सक्राइब करते हैं उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।